आपको दबो चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे बहुत सारी चीजें अपने आप खुलने लगती हैं। जैसे अचानक सड़क पर चलते हुए, सोने जागने के बीच, या फिर कहीं बैठे हुए, क्या ऐसी ही घटना पहले भी कहीं हुई है, कभी हुई है? कितना ही क्यों ना चीखे चिल्लाए, कितना ही क्यों ना छटपटाए, वो आपको नहीं छोड़ती। मेरे साथ एक रात ऐसा ही हुआ था। हम दोनों सो रहे थे, अच्छा कुछ खटका सुनाई दिया, बिल्कुल वैसे जैसा बचपन में मैं हड़बड़ाकर अपने कमरे में उठ जाती थी। मुझे लगता था कि दूसरे कमरे में माँ बाबू जी नहीं है और मैं अब उन्हें कभी नहीं देख सकूंगी। लेकिन उस रात चीख ही चिल्लाई है, उसी तरह उसकी देह को टोल रही थी जैसे लोग पुराने खंडहरों पर अपने नाम ढूंढते हैं जो उन्होंने बरसों पहले लिखे थे। मेरा नाम वहां कहीं न था, मेरे हाथ सारी रात उसकी देह पर मुर्दा बनकर पड़े रहे। मुझे सब इतना भयानक लगा, हम दोनों के बीच जो खाली बना ले, वो मैं किसी से नहीं कह सकती। अपने वकील से भी नहीं, जिन्हें मैं बरसों से जानती थी, और उन्हें लगा मैं सखिया थी। क्या तुम्हारा पति किसी दूसरी औरत के पास जाता है? क्या वो तुम्हारे प्रति क्रूर है, तुम्हारा ख्याल नहीं रखता, जिम्मेदारी नहीं उठाता? उसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी और मैं थी कि एक ईडियट की तरह उसका मुंह ताक रही थी।